मैं रिद्धि, मेरी उम्र 28 साल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। ये कोई आम लव स्टोरी की तरह शुरू हुई थी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैं नौकरी के लिए जगह जगह भटक रही थी, तब एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ बैक एंड ऑफिसर मुझे जॉब मिली। वहीं मेरी मुलाकात आलोक से हुई। आलोक उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। मैं जल्दी से जल्दी इंटर्न से परमानेंट एम्प्लॉय बन जाना चाहती थी, इसलिए मेरे टीम लीडर मुझे हमेशा बहुत काम देते थे और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना सारा ऑफिस वर्क निपटाती थी। जैसे ही मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई और अप्रेजल की बारी आई, तो मेरे टीम लीडर ने मुझे बोला कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सीधा मैनेजर के पास यानी आलोक के पास पहुंच गई। आलोक ने मेरी पूरी बात सुनी, फिर टीम लीडर को बहुत डांटा और मुझे अप्रेजल भी दिलवाया। तभी से मेरी और आलोक की हेलो हाय होने लगी। हेलो हाय से कैफेटेरिया साथ जाना, लंच साथ करना, और कभी कभी तो वो मुझे घर भी ड्रॉप कर देता था। कब ये ऑफिस की दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। आलोक मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था। मैं भी अपने कड़वे अनुभवों को याद नहीं करना चाहती थी। एक दिन जब घर वाले मेरी शादी की बात करने लगे, तो मैंने आलोक को बताया। आलोक मेरे और अपने घर वालों से बात करना चाहता था। आलोक के पिता बहुत समय पहले ही चल बसे थे। आलोक के अलावा उसकी फैमिली में उसका छोटा भाई और उसकी मॉम थे, लेकिन मेरे घर वाले इतने जल्दी में थे कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। मेरी फैमिली मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने लगी। जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, तो आलोक और मैंने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। अगले ही दिन हम दोनों ने शादी कर ली। जब आलोक मुझे उसके घर लेकर पहुंचा, तो उसकी मॉम बहुत नाराज हुई। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से आलोक ने अपनी मॉम को मनाया। उसकी मॉम मानी तो नहीं, पर उन्होंने मुझे अपने साथ घर में रहने की परमिशन दे दी। आलोक का छोटा भाई उस टाइम ऑफिस गया हुआ था। जब वो शाम को ऑफिस से आया, तो आलोक ने मुझे उससे मिलवाया। उसको देखकर मैं शॉक हो गई। ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड विभोर था। विभोर भी मुझे देखकर हैरान हो गया। विभोर ने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं बताया था। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कुछ 1.5 साल के रिलेशन के बाद विभोर और मेरा ब्रेकअप हो गया था। आज 4 साल बाद उसको अचानक सामने देखकर मैंने किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। जब अगले दिन आलोक ऑफिस गए, तब मैंने विभोर से बात करना डिसाइड किया। विभोर अपने रूम में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। मैंने रूम का दरवाजा नॉक किया। विभोर ने पीछे मुड़कर देखा और अंदर आने को कहा। मुझे देखकर वो फिर से अनकंफर्टेबल हो गया। मैंने उसे कहा कि जो 4 साल पहले हुआ, वो अब दोबारा हम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अब उसके बड़े भाई की बीवी हूँ। विभोर ने भी हाँ कर दिया। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मैं आलोक की मॉम को खुश करने के लिए सारा घर संभालती थी और मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। 4 महीने में ही मॉम मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। आलोक को ऑफिस के कुछ काम से 1 महीने के लिए टूर पर जाना पड़ा। आलोक के बिना 1 महीना मैं कैसे काटूंगी, समझ ही नहीं आ रहा था। आलोक चले गए थे। मैं दिन भर घर में बिजी रहती थी। एक दिन मेरी सासू मॉम ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे घर की चाबियां दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मॉम मुझे सारी जिम्मेदारी दे देंगी। फिर मॉम ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर सा हार मेरी तरफ आगे बढ़ाया। मैं उस हार को पकड़ने ही वाली थी कि वो हार हाथ से गिरकर टूट गया। ये देखकर मॉम को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। मॉम का चीखना सुनकर विभोर भागते हुए उनके रूम में आया। टूटा हुआ हार देखकर उसे सब समझ आ गया था। उसने मॉम को समझाया कि उन्हें इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था। सासू मॉम ने विभोर की बात भी नहीं सुनी, लेकिन मैंने सुना कि कैसे विभोर मॉम को समझा रहा था। मैंने इवनिंग में विभोर से बात की। मैंने उससे पूछा कि उसने क्यों फॉर्म से मेरी सिफारिश की। विभोर ने बताया कि वो सिर्फ
सही बात का साथ दे रहा था। उस दिन मुझे लगा कि विभोर अभी भी मुझे चाहता है। खैर, मॉम ने मुझे माफ कर दिया था और सब कुछ नॉर्मल हो गया था पहले की तरह। बस मेरे तरफ से विभोर के लिए जो झुकाव था उसे छोड़कर मैं दोबारा विभोर से बात करने के लिए उसके कमरे में गई। मैंने उससे पूछा कि उसने अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। उसने कहा कि कोई भी मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सुनकर मैंने विभोर को जोर से गले लगा लिया। फिर विभोर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। हम रोज रात को साथ ही सोते थे। आलोक का टूर खत्म हो गया था, वो घर आ गए थे। मुझे तभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जब ये खबर सब घर वालों को बताई तब विभोर को शक हुआ और उसने मुझसे पूछा कि ये बच्चा किसका है। मैं उससे ये बात छुपा नहीं पाई कि ये बेबी उसी का है। विभोर मेरा बहुत ध्यान रखने लगा। खाने पीने से लेकर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट तक मुझे लगता है ये सब देखकर आलोक को मुझ पर शक होने लग गया। एक दिन जब मैं विभोर के साथ थी तब आलोक ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। मैंने आलोक को खिड़की से हम दोनों को देखते हुए देखा था। ऐसा नहीं था कि मैं आलोक को प्यार नहीं करती थी, पर मैं आलोक के सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उस दिन जब मैं और आलोक बहुत देर तक सोते रहे, मैंने आलोक को उठाने की कोशिश की बट वो नहीं उठे। मैंने विभोर को बुलाया और विभोर ने जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आलोक को मरा हुआ बताया। डॉक्टर से पता चला कि आलोक ने जहर खा लिया था। वो अपने भाई का और मेरा रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हम दोनों से ना चाहते हुए भी ऐसी गलती हो गई जो आलोक को निगल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा। तभी विभोर ने मॉम से मेरी और उसकी शादी की बात की। मॉम को चिंता थी कि आलोक के बच्चे का आगे क्या होगा और इसीलिए वो हमारी शादी के लिए भी मान गई। शायद ही आलोक कभी मुझे माफ कर दे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निहारिका फ्रॉम गुड़गांव। मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कभी किसी से बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मैं बहुत छोटी थी और बिस्तर गीला करती थी। तब तो घर वालों ने सोचा कि अभी छोटी उम्र है और बाद में सब सही हो जाएगा, लेकिन मैं बड़ी तो होती जा रही थी परंतु इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। मेरी माँ तो किसी के घर रात को मुझे लेकर रुकती भी नहीं थी। कोई रिश्तेदार घर पर रुकता तो मुझे ऐसे छुपाकर सुलाती थी जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध किया है और मुझे पुलिस उठाकर ले जाएगी। मैं कर भी क्या सकती थी। जब गर्मी की छुट्टी में बुआ के बच्चे आते थे तो वो मुझे अपने साथ सोने ही नहीं देते थे। मैं बहुत रोती थी पर मेरी कोई नहीं सुनता था, उल्टा मुझे डांट मिलती थी। एक बार मैं अपने मामा के घर गई थी और मैंने रात में बिस्तर गीला कर दिया। रात में ही उठकर मैंने बेड पर पानी डाल दिया और सुबह उठकर बोल दिया कि रात में पानी गिर गया। एक बार हम मौसी के घर गए थे और रात को मौसी ने मुझे पीने को दूध दिया। मैंने दूध इसलिए नहीं पिया कि रात में यदि बिस्तर गीला हुआ तो दूध गिरा दूंगी और सबसे बोल दूंगी कि दूध गिर गया था। बहुत बार तो कहीं रात में रुकना पड़ जाता था तो मैं रात भर सोती भी नहीं थी। मुझे आज भी याद है जब एक बार मेरे घर में नया बेड आया था तो माँ ने मुझे कई दिनों तक उस पर सोने भी नहीं दिया था कि पेशाब की बदबू हो जाएगी। मेरी माँ मुझे घर की सबसे खराब शीट बिछाने के लिए देती थी और जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो सुबह उठकर फर्श को भी साफ कराने लगी। घर में दूसरे भाई बहन मुझे बिस्तर मूतनी के नाम से चढ़ाने लगे थे। स्कूल में भी बच्चों को मेरे बारे में पता चल गया था और वो भी मुझे चिढ़ाते थे। जब एक बार मैं अपनी बुआ के घर गई तो मेरी बुआ को मेरी आदत के बारे में पता था। उन्होंने रात में मेरे पास कोई बच्चा सुला दिया ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मेरी माँ ने बहुत सारे चिकित्सक से भी सलाह ली
दवाई दिलाई गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हुआ कुछ यूं कि मैंने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। घर में सब खुश थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान थी। घर वालों ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं बहुत ही डरी हुई थी। मेरा एडमिशन हो गया और मैं चली गई हॉस्टल में। यूं तो मुझे मेरे घर वालों ने मेडिसिन भी दिलाई थी, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी। शाम को जब मेरा सामान चेक हुआ तो मेडिसिन निकली। मैडम ने पूछा कि ये किसके लिए है, तो मुझे बताने में शर्म आई और मैंने बोल दिया कि कमर दर्द के लिए है। मैडम ने तब तो मुझे छोड़ दिया। फिर रात हो गई और सब सो गए। मैं करवटें बदलती रही और रात भर बिस्तर गीला होने की चिंता में सो भी नहीं पाई। पहले एक सप्ताह तक तो सब कुछ सही सलामत रहा, अब मैं थोड़ी चिंता मुक्त हो गई थी। लेकिन एक सप्ताह के बाद मैं सुबह उठी तो देखा कि बिस्तर गीला हुआ पड़ा था, और फिर मैं कुछ तरकीब सोचने लगी तो तब तक घंटी बज चुकी थी और असेंबली में जाना जरूरी था। और जब तक वापस आई तो पूरे कमरे में बदबू फैल चुकी थी। सब पूछ रहे थे कि ये बदबू कैसी है और कहां से आ रही है। फिर हाउस मास्टर को बुलाया गया और बदबू का कारण पता किया जाने लगा। हम एक रूम में 24 छात्र रहते थे। तभी मेरे बेड की जांच की गई और पता चला कि वो बदबू वहीं से आ रही थी। फिर मैडम ने मुझे मेडिकल रूम में बुलाया। मैं रोने लगी और सारी बातें बताई। मैडम ने मुझे प्यार से समझाया और मुझे सोने के लिए सिंगल रूम दिया। अब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन हॉस्टल के बच्चों की नजरों में मेरी इमेज खराब हो गई थी। अब सब मुझे अलग ही नजर से देखते थे, कोई मेरे कमरे में भी नहीं आता था। फिर एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैं माँ के सामने बहुत रोई और वहां ना रहने की जिद करने लगी, लेकिन माँ जबरदस्ती मुझे छोड़ गई। मैं बेहद डिप्रेशन में रहने लगी थी। मेरा रिजल्ट खराब हो गया था, जिस कारण मुझे सबसे डांट पड़ी थी। मैं हॉस्टल में रहना ही नहीं चाहती थी। फिर छुट्टी हो गई और मैं वापस घर आ गई। मैंने सबसे बोल दिया कि मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर से भेज दिया गया। मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन सका। 8वीं कक्षा के बाद मैं जिद करके वापस लौट आई। मैं वापस तो आ गई, लेकिन अब मैं घर वालों की इतनी सुनती थी कि पूछो मत। कोई कहता इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, कोई बोलता पढ़ाई से दिल चुरा के आई है। बस मैं सबकी सुनती, ऐसी ही मेरी जिंदगी चल रही थी। फिर मैं कॉलेज में आ गई। यहाँ आकर मुझे सब नॉर्मल लगने लगा और अब मैं पहले से अच्छे से जी रही थी। बस घर में तो समस्या थी, लेकिन बाहर सब नॉर्मल था। और अब मेरी शादी पक्की हो गई। अब फिर से मेरी जिंदगी उस दर्द से गुजरने को तैयार नहीं थी। मुझे लगने लगा कि इससे अच्छा तो मैं सुसाइड ही कर लूं, लेकिन क्या करती। फिर मेरी शादी नजदीक आ गई। मुझे बहुत तरह की मेडिसिंस दी गई। अब मैं 23 वर्ष की हो गई थी और मुझे अपनी जिंदगी खराब लगने लगी थी। फिर हुआ कुछ ऐसे कि मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल में आ गई। अब मैं खुद को बहुत मजबूत बना चुकी थी और मैंने पहले ही रात अपने पति देव को सब कुछ बता दिया। मेरे पति बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे समझाया और मेरे रूटीन में बदलाव करने लगे। धीरे धीरे मेडिसिन से भी आराम मिलने लगा और फिर हम एक डॉक्टर से मिले। उनको बचपन से लेकर अब तक की सारी समस्याएं बताई। डॉक्टर ने मेरे कई तरह के चेकअप किए और पता चला कि समस्या मुझे अनुवांशिक है और अब उसका अंत होने वाला है। एक साल के अंदर ही मैंने इससे छुटकारा पा लिया और अब मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी?